नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राहक के। आज से कुछ दिनों पहले हमने प्रेस वार्ता में इस बात की चर्चा की थी, कैसे रामनवमी से शुरू होते हुए हनुमान जयंती तक और अब उससे आगे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करने की हर कोशिश कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में दंगा, हिंसा और सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश चल रही है। दिल्ली के बारे में हमने सबूत सामने रखे, बाकी राज्यों के सबूत आपके सामने आ रहे हैं। 29 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में दो सांप्रदायों के बीच में हिंसा हुई और अब उसके सबूत जो हैं सामने आने लगे हैं। कुछ दिनों से पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना की कई तस्वीरें इंटरनेट पर दिखती हैं, उनसे संबंधित कई वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और ये बात साफ हो गई है कि बरजिंदर सिंह परवाना के तार सीधा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। बरजिंदर सिंह परवाना वो आदमी है जिसने पटियाला हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को दंगा करने के लिए उकसाया, दंगे का पूरा माहौल तैयार किया, अक्सर हिंसा के समर्थन में उनके भाषण इंटरनेट आदि पे देखे जा सकते हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, उनके तार सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, इसके सबूत इंटरनेट के ऊपर घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो खुलकर बरजिंदर सिंह परवाना की वकालत कर रहे हैं। वो वीडियोस भी जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनके बयान जो हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो एक तरफ तो वो हिंसा जिसमें एक तरफ सिख थे, तो उसके अंदर बरजिंदर सिंह परवाना की भूमिका और भाजपा की भूमिका, और दूसरा गुट जिसके अंदर हिंदुओं का गुट था उसके अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट वरुण जिंदल थे। तो सिखों की तरफ से भी जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, हिंदू गुट की तरफ से जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसका मतलब पूरे देश में जहां जहां पे भी हिंसा हुई उसके अंदर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व थे और अब ये सबूत जो है सबके सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।